नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लासेस 24 गवर्नमेंट एग्जाम में। आज हम बात करने वाले हैं UPFCI के पेपर के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है 30 तारीख में पेपर हो गया है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बच्चे कंफ्यूज थे कि सर ये पेपर इतना टफ आया क्यों है, तो मैं आपको बता दूँ पेपर टफ होने का रीज़न यही रहा है क्योंकि ये पेपर जो था इसमें क्या बैठ गए थे भैया, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्वर बैठ गए थे। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर ये फर्जी हुई है क्या वैकेंसी, ठीक है आप बताओ प्लीज़ कमेंट में, उनका यही था। तो मैं आपको बता दूँ ये वैकेंसी जो थी ये आप लोगों के लिए सही नहीं रही है क्योंकि इसमें सॉल्वर बैठे गए थे। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ ये खबर आ गई है आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हो आप, सहारनपुर में सॉल्वर गैंग के 6 सातिर गिरफ्तार। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब इन्होंने सहारनपुर से 6 सातिर को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन 6 के 6 को, ये रहा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इनके सामने आप दिखाई दे रहे हो, आपके सामने ये रखा है मोबाइल वगैरह, ये है इसके, इन पर बरामद हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ, पकड़े गए सभी बागपत मेरठ गाजियाबाद के निकासी, 8 मोबाइल, 11 फर्जी आधार कार्ड, 11 प्रवेश पत्र, 11 फ़ोटो, 16,000 रुपये बरामद हुए हैं। तो ये जितने भी थे इन्होंने दूसरे बच्चे का नुकसान करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो FCI के पेपर में ये पकड़े गए हैं बच्चे, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे ना तो बायोमेट्रिक हुई है वहाँ पे, ठीक है, और ना ही आपकी वहाँ पे चेकिंग हुई है जो मेटल डिटेक्टर के थ्रू होती है। ठीक है, जो वो मशीन रखते हैं ना उसके थ्रू हुई है। इसका मतलब इसमें सॉल्वर जो थे, ठीक है, जो सॉल्वर थे यानी जो ठेका लेते हैं और दूसरे बच्चों के स्थान पर बैठते हैं, ठीक है, तो वो इसमें बैठे ज़रूर हैं और वो क्या करेंगे, वो इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत हाई कर देंगे, ये बहुत काम की बात है। ठीक है, तो पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ इसमें लिखा क्या है। तो जल्दी से जल्दी आप मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और जो बच्चे नए बन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुँच जाए। पढ़ते हैं, भारतीय खाद्य नियम के भारतीय खाद्य निगम में गार्ड की भर्ती में सॉल्वर गैंग के 6 सातिरों को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, इनमें से एक परीक्षार्थी भी शामिल है, इनमें इनके पास 8 मोबाइल फ़ोन, 11 फर्जी आधार कार्ड, 11 प्रवेश पत्र, 11 फ़ोटो और 16,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। आगे पढ़ो, यहाँ पे सोमवार को सहारनपुर के 49 परीक्षा केंद्रों पर FCI गार्ड की भर्ती हुई थी। ठीक है, जो कि दोपहर 12 बजे से होने वाली थी यानी 12 से 2। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई स्टेशन पे और वहां पे इन्होंने सॉल्वर को पकड़ा है, किसकी टीम ने, GRP की। तो ये तो सब जो होता है FCI में, क्या ये तो UP के सभी एग्जामों में ज़्यादातर हो रहा है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो बच्चे इसलिए अपनी उम्मीदें भी तोड़ते जा रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे, हाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं जो इस तरीके से आते हैं, जैसे कि FCI में भी आ गए हैं, UP पुलिस के पेपर में भी आए थे जिसकी वजह से वो लीक हो गया है। ठीक है, लेकिन ये जो है सब कुछ, जितने भी ये परीक्षार्थी बैठे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो कि जिसके थ्रू कट ऑफ हमारी हाई भी नहीं जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जो बच्चे इसमें थे, जो बच्चे अच्छे थे उनके लिए भी फ़ायदा है। ठीक है जी, क्योंकि सॉल्वर, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आए थे, सॉल्वर इतना वे नहीं होते कि 5-5 सब्जेक्ट वे कवर कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश छूट जाती है या हिंदी छूट जाती है, उनमें से ये छूट जाता है इन दो में से। ठीक है, तो आप लोगों ने तो बहुत अच्छा स्कोर किया होगा मुझे पता है, तो इसीलिए आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पे, हम इसकी कट ऑफ भी बताएंगे कि इसकी कट ऑफ कितने रहने वाली है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना अपने मार्क्स कितने बैठ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली है उसमें आपने PDF के अनुसार अपना जो आंसर की है वो चेक कर ली होगी, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपकी हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।